दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ी। देर रात आतिशी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पानी की किल्लत को लेकर पिछले चार दिन से जल सत्याग्रह कर रही थी आतिशी। लोकसभा में आज 263 सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। कल होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। स्पीकर पद के लिए आज दोपहर 12 बजे तक होगा नॉमिनेशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर ईडी के आरोपों को किया है खारिज। कल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई ने बिहार गुजरात और राजस्थान में 5 मामलों को किया टेक ओवर। पटना में सीबीआई और ईओयू अधिकारियों के बीच 7 घंटे तक हुई बैठक। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा सेंट्रलाइज्ड एग्जाम खत्म होना चाहिए। पेपर लीक मामले में देश भर से अब तक 30 गिरफ्तारी। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। नौकरी में 5 अतिरिक्त अंक देने को असंवैधानिक ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील खारिज की। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करें। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी बेटे अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण देने बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंची। गंगा आरती में भी हुई शामिल। बोली, यहां तो सब कुछ बदल गया। तो आज अभी अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई। आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मथुरा में संतों की महापंचायत का बड़ा फैसला। ब्रज के किसी भी मंदिर में प्रदीप मिश्रा की एंट्री पर लगाया बैन। संतों ने कहा जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं मिलेगा प्रवेश। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया। 27 जून को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला। रोहित शर्मा ने जड़ा अर्धशतक। अर्शदीप ने झटके 3 विकेट। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांग। टंकी मतलब वेक्टर्स।